इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? किसी भी बहुत सी मालूमात को एक जगह इकट्ठा करना, यानी उनका ज़खीरा करना, उनको तरतीब देना और उनको दूसरों तक पहुंचाना और उनका सही इस्तेमाल करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कुछ ज़्यादा अर्सा नहीं गुजरा कि जब टेलीफोन अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क में जो है वो रबते का वाहिद ज़रिया था, लेकिन आजकल इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन वगैरह भी जदीद टेक्नोलॉजी के अहम ज़राए हैं। ऐसा तरीका जो कि दूर दूर तक, या ऐसा ज़रिया जो कि दूर दूर तक मालूमात को फौरी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, वो टेली कम्युनिकेशन कहलाता है। टेली कम्युनिकेशन टेलीग्राफ की ही एक शक्ल थी जो कि पैगाम या इंफॉर्मेशन को जो है ट्रांसमीटर के ज़रिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के या इलेक्ट्रिक पल्सेस में तब्दील कर देता था और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था, मालूमात के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। लेकिन आजकल टेलीग्राफ, यानी टेलीग्राफ से ज़्यादा बेहतर और एफिशिएंट तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन टेलीफोन, सेलुलर या मोबाइल फ़ोन, टिलेक्स मशीन, फैक्स मशीन, टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट और रिमोट कंट्रोल सिस्टम वगैरह। अब टेलीफोन जो है वो टेलीग्राफ के असूल पर ही काम करता है, लेकिन इसका फ़ायदा यह है कि इसमें बराह रास्त बातचीत हो सकती है। इसमें टेलीफोन के अंदर एक टेलीफोन का जो हैंडसेट होता है उसके अंदर एक माइक्रोफोन लगा होता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इलेक्ट्रिक पल्सेस को, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक पल्सेस में तब्दील किया जाता है और इसको फिर मालूमात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेलीफोन मालूमात को जो आवाज़ के सिग्नल्स हैं, जब आवाज़ पैदा होती है या आवाज़ से पैदा शुदा वाइब्रेशंस को दूसरे टेलीफोन तक पहुंचाता है और इस तरह जो है वो पैगाम रसानी का काम शुरू हो जाता है। सेलुलर या मोबाइल फ़ोन रेडियो ही की, इसमें रेडियो की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, यानी ये एक किस्म का रेडियो ही है और इसमें दो तरफा कम्युनिकेशन होती है। मोबाइल फ़ोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा होता है। जब हमारी आवाज़ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर तक पहुँचती है तो उसमें ज़्यादातर जो है स्टेशन में हर जो हल्का है उसमें जाता है और जब दूसरी जगह कॉल पहुंच जाती है तो उसमें को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को दोबारा आवाज़ में तब्दील कर दिया जाता है, जिससे जो है सेलुलर या मोबाइल फ़ोन पैगामात की तरसील में अहम काम सर अंजाम देता है। टिलेक्स मशीन में टेली प्रिंटर या एक्सचेंज मशीन के ज़रिए जो है दस्तावेज़ात हैं, अहम दस्तावेज़ात को एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए से मुंतकिल किया जाता है और जब एक जगह से मालूमात दूसरी जगह पहुंचती हैं तो वो दूसरी टिलेक्स मशीन तक